फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड करो ना यार। देखो वन फुटबॉल ऐप में तो जो है तुमको दुनिया जहाँ की फुटबॉल की न्यूज़ डायरेक्टली आपके फ़ोन में जो है वो मिल जाती है। आपको जो है वो टीम न्यूज़ भी मिल जाएगी। अब तो वर्ल्ड कप का सीज़न आ गया है यार, अब आप अपने फेवरेट वर्ल्ड कप की कंट्री को भी फॉलो कर सकते हो और फिर कुछ भी जो है वो न्यूज़ होगी ना आपको जो है वो वन फुटबॉल ऐप में देखने को मिल जाएगी। जो है फुटबॉल न्यूज़ हो गई ए टू जेड, वन फुटबॉल ऐप कवर्स इट ऑल। टॉकिंग अबाउट भाई साहब लाइनअप्स एज वेल, क्योंकि वर्ल्ड कप आ गई है, आपको टाइमिंग्स जानना, आपको लाइनअप जानना है मैच से पहले और आपको कॉमेंट्री सुननी है तो वन फुटबॉल ऐप को जो है आप प्रीफर कर सकते हो। बेस्ट फुटबॉल ऐप ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वन फुटबॉल ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। भाई साहब डाउनलोड करो वन फुटबॉल ऐप को और एंजॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। फ्री अवेलेबल ऐप है ये भी बता दूँ। वर्ल्ड कप का सीज़न जो है वो आ चुका है। जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने फीफा वर्ल्ड कप की स्क्वाड लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी अपने अपने जो है सोशल मीडिया के पेजेस में। अब मेन बात आती है कि यार स्क्वाड लिस्ट से अपन क्या करेंगे, अपन को तो लाइनअप जानना है। तो मैंने सोचा यार कि मैं एक अपना बेस्ट, हर एक कंट्री जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी बेस्ट लाइनअप जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ आज की वीडियो में और अपन डिस्कशन करेंगे कि यार उन लाइनअप में कैसी कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ना सबकी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो में। तो बिगिन करते हैं भाई साहब सबसे पहले स्पेन के साथ। तो देखो स्पेन में 3-4 क्वेश्चन है। डेविड डे है या क्यों नहीं है, रामोस क्यों नहीं है, एलकांट्रा क्यों नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है। मैं तुरंत आंसर दे देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट यार लूचो चाहता है कि भाई वो प्लेयर्स को लेकर क्या है जो उसके गेम प्ले के हिसाब से जो है वो सूट करे स्पेन में। तो उसको चाहिए कि मेरा जो मतलब सेंटर बैक वाली लाइन है वो बॉल प्ले करे। तो रामोस बॉल प्ले में उतने अच्छे नहीं है जितनी एरिक गार्सिया है। रामोस इज़ अ बेटर डिफेंडर एन एरिक गार्सिया, बट यार रामोस मैं बता रहा हूँ बॉल प्ले में उतना ऊपर नहीं है जितना एरिक गार्सिया है। लेकिन मैं आगे और पॉइंट्स दूंगा, तुम समझना मेरी बात को। गोलकीपर ऑब्वियसली डेविड डिया इज़ अ गुड शॉट स्टॉपर, बट उनाई सिमोन वो वेल ट्रस्टेड है लुइस एनरिके की तरफ से। अपन ने देखा यूरोज में नेशंस लीग में उनाई सिमोन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे को पता था कि डेविड डिया तो नहीं जाने वाला है। मिडफील्ड में जितने मिडफील्डर्स हैं वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जितने लोगों को स्पेन लेकर के गई है। अब इन मिडफील्डर्स के ऊपर अगर थियागो अल्कांट्रा को, किसी एक भी मिडफील्डर को हटा के थियागो अल्कांट्रा को डालना था तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होता, क्योंकि थियागो अल्कांट्रा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं और वो इंजरी से भी जूझा है। अभी पिछले जो है वो महीने उसको जो है वो हैमस्ट्रिंग वाली इंजरी थी, तो वो भी टॉप ऑफ द फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहला है कि भैया उसको चाहिए कि उसके प्लेयर सूट करें उसके प्लेइंग स्टाइल में और वो प्लेयर टॉप ऑफ दी फॉर्म होना चाहिए। सर्जियो रामोस 2 सीज़न बैठा है यार पूरा, वो रियल मैड्रिड में भी जाने से पहले बैठा था, पीएसजी का पूरा एक बैठा है, अभी आया, अभी टॉप ऑफ दी फॉर्म नहीं है। अगर तुमने पीएसजी के गेम्स देखे हैं, पीएसजी लीग कर रही है गोल्स, जिन गेम्स में किम्बेम्पे और रामोस स्टार्ट करते थे पीएसजी गोल्स खाती है। लेकिन भाई साहब जिस गेम में मार्किनियोस स्टार्ट कर जाता था ना वो बच जाते थे इन लोग। तो रामोस थोड़ा सा दिख रहा है यार, वो थोड़ा सा दिख रहा है और वर्ल्ड कप में बेस्टम बेस्ट चाहिए। तो इन रीजन्स के चलते मेरे ख्याल से जो है वो लूचो इन प्लेयर्स को नहीं लेके गया। मोर ओवर टॉकिंग अबाउट बारसा बायस वाला, तो यार देखो कारवा हाल है, असेंसियो है, तो बारसा बायस तो नहीं है, अगर रहता तो इन दोनों को नहीं लेकर के जाता। बात है फॉर्म की और उसके प्लेइंग स्टाइल की। अब प्लेइंग स्टाइल से बात कर लेते हैं अपन लाइनअप की। तो लाइनअप मेरे ख्याल से ये होने वाली है स्पेन की। ऑब्वियसली उनाई सिमोन स्टार्ट करेंगे, गोलकीपर, लेफ्ट बैक जॉर्डी एल्बा, दोनों डिफेंडर्स पाउ टोरेस और लापोर्ट मेरे को नजर आ रहे हैं। एरिक गार्सिया स्टार्ट कर सकता है कुछ कुछ मैचेस में, लेकिन ये दोनों जो है वो स्टार्ट करेंगे। टॉकिंग अबाउट दी राइट बैक, ऑब्वियसली कारवा हाल वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक स्पेन की स्क्वाड में और वर्ल्ड में भी। मिडफील्ड में थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो रोदरी स्टार्ट करना चाहिए बुस्केट्स के ऊपर, लेकिन जितने मैंने इंटरव्यूज देखे उसमें तो भैया लुइस एनरिके कह रहा है कि आई विल ट्राई टू कन्विंस बुस्केट्स कि वो एक और वर्ल्ड कप खेले, लेकिन यार रोदरी को स्टार्ट करो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेदरी स्टार्ट कर सकता है, पेदरी के साथ कौन स्टार्ट करेगा ये क्वेश्चन है। मार्कोस लोरेंते ऑप्शन है, गावी ऑप्शन है और भी कई सारे ऑप्शन हैं। कार्लेस सोलेर हो गया, वो एक ऑप्शन है, लेकिन मेरे को लग रहा है कोके या गावी में से कोई एक स्टार्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन दी टीम जिसको स्पेन जो है वो फेस कर रही होगी। और गावी एस एन सब्सिट्यूट काफ़ी बेहतरीन जो है वो प्लेयर है, उसके अंदर के एनर्जी काम आएगी स्पेन को। टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लाइन, तो ऑब्वियसली मोराटा स्ट्राइकर हैं, राइट हैंड साइड में हमको जो है फरान टोरेस देखने को मिलेगा, दमाद साहब, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमको सराबिया देखने को मिलेगा या ओल्मो देखने को मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी कौन स्टार्ट करेगा। हो सकता है अंसु फाटी भी कुछ गेम्स में जो है वो अपन को देखने को मिली। तो टीम्स किसके खिलाफ स्पेन खेल रही है वो डिपेंड करेगा इनकी लाइनअप को, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट 11 मेरे तरफ से स्पेन की जो है वो हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट पोर्तुगल। तो पोर्तुगल देखें भैया, पोर्तुगल ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है नजर आ रही है, लेकिन बस बात यह आ जाती है कि कैसे फर्नांडो सेंटोस जो है वो इस प्लेयर को मैनेज करेंगे, इस टीम को मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑन पेपर इट इज लुकिंग वन ऑफ दोस स्क्वाड जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। जितनी हाइप अर्जेंटीना ब्राजील को मिल रही है उतनी हाइप पोर्तुगल भी डिजर्व करती है। लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। तो मेरे ख्याल से भाई साहब ये गोल का फोटो मैं चिपकाया हूं। देखें गोलकीपर तो ऑब्वियसली डियागो कोस्टा स्टार्ट करेंगे, रूई पैट्रिसियो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर जो है वो ज्यादा फेथ करते हैं भैया फर्नांडो सेंटोस। टॉकिंग अबाउट लेफ्ट बैक, तो मेरे ख्याल से यार लेफ्ट बैक में अपन को नूनो मेंडेस देखने को मिलेंगे, करेंगे। रूबन डियास और पेपे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं एज अ सेंटर डिफेंसिव प्लेयर्स जो सेंटर डिफेंड में लीड करेंगे लाइन को। अब यहाँ पेपे थोड़ा सा है यार, वो थोड़ा ना बुड्ढू है और थोड़ा सा एंग्री यंग मतलब ओल्ड एंग्री मैन है, रेड कार्ड वगैरह ले लेता है और जब टीम को चाहिए कि पेपे रहे तो वो रेड कार्ड लेके फिसल देता है। तो पेपे को थोड़ा संभाल करके रखना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड तो मैं देखो यहाँ कंसेलो दिया हुआ है, लेकिन यार मैं यहाँ पे ना डिएगो डेलोट को स्टार्ट करूँगा और मैं लेफ्ट हैंड साइड में नूनो मेंडिस के बदले कंसेलो को स्टार्ट करूँगा। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि ऑप्शंस हैं पोर्तुगल के पास फुल बैक वाली जो है उस स्पेस में। मिडफील्ड के बारे में बात कर लें तो ऑब्वियसली यार विटिनिया जो काफ़ी अच्छा पीएसजी में खेलते हैं अपन को नजर आया, फर्नांडो, ब्रूनो फर्नांडेस और भाई साहब यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा के साथ गजब की मिडफील्ड की पार्टनरशिप। बर्नार्डो सिल्वा तुम जान रहे हो यार आग लगाता है, ब्रूनो फर्नांडेस यार ऑब्वियसली। एंड टॉकिंग अबाउट विटिनिया तो पीएसजी में उसने वो करके दिखाया जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि अगर डिफेंसिव जाएगी टीम तो मेरे को लगता है कि रूबन नेवेस जा सकता है यहाँ पे। रूबन नेवेस नहीं तो भाई साहब अपना डेनिलो पेरेरा भी जो है वो जा सकता है। यहाँ पे ना रेनाटो सैंचेस की कमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। वो विटिनिया वाली स्पेस की जगह रेनाटो सैंचेस रहता ना तो वो डिफेंड भी कर लेता है, वो अटैक भी कर लेता है। अपन ने देखा था नेशंस लीग में रेनाटो सैंचेस की कमी महसूस होगी पोर्तुगल को। अटैक के बारे में बात कर ले ऑब्वियसली इट शुड बी रोनाल्डो, फिलिक्स एंड राफेल लियो। आई गेस राफेल लियो को स्टार्ट मिलना ही मिलना चाहिए इस गेम के लिए। एंड्रे सिल्वा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और भाई साहब बाकी तो हैं ही इनके पास इधर उधर, बट ये जो है वो लाइनअप मेरे को लगती है पोर्तुगल का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप हो सकता है। बस मैं एक कहूँगा इसमें रेनाटो सैंचेस की कमी मेरे को ऑन पेपर भी नज़र आ रही है, तो ऑन द पिच तो नज़र आएगी ही। लेट्स टॉक अबाउट नीदरलैंड नेक्स्ट। नीदरलैंड भैया गजब की जो है वो स्क्वाड बैलेंस नज़र आ रही है और यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि वैनगाल क्या क्या चीज़ें जो है वो अडेप्ट करवा पाएंगे। इज लुकिंग वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन वर्ल्ड कप एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस क्योंकि नीदरलैंड काफ़ी अच्छी जो है वो हमको नज़र आती है डिफेंडिंग में भी और गोल मारने में भी। लेट्स टॉक अबाउट गोल कीपर्स तो यहाँ पे अपन को बिजुलो देखने को मिलेगा और ये सबसे वीकेस्ट पार्ट है नीदरलैंड का मेरे ख्याल से। जेस्पर सेलिसन को जो है वो भाई साहब कॉलअप नहीं मिला विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट बिचेलिसन को मिला। देखो बिजलीसन क्या कर पाएंगे और यहाँ पे तीन बैक थ्री मेरे ख्याल से जो है वो नीदरलैंड जाएगी विद वैन डाइक, आके एंड टिम्बर। देखें टिम्बर काफी अच्छा प्लेयर है, वैन डाइक के बारे में क्या बोलूं। नेथन आंके बीइंग दी लेफ्ट फुटेड सेंटर डिफेंडर मेरे ख्याल से ये बीच में रहेगा विद वर्जिल वैन डाइक एंड भाई साहब टिम्बर ऑन दी साइड्स। अगर मैं बात करूँ हम इनके मिडफील्ड के बारे में तो ऑब्वियसली यार जो इनके मैनेजर हैं वो प्रीफर करते हैं अटैकिंग फुल बैक्स को, तो डम्फ्राइज तो रहेगा ही, दिस इज वन थिंग फॉर श्योर। लेफ्ट हैंड साइड में और कोई ऑप्शन नहीं है, डेली ब्लिंड को ही उतारना पड़ेगा। मिडफील्ड पेयरिंग जो है वो हमको फ्रेंकी डियोंग, कैलेसन और बरगुइस की देखने को मिलेगी। आई डो नॉट नो मच अबाउट कैलेसन और बरगुइस बट आई नो अबाउट फ्रेंकी डियोंग ऑब्वियसली। दोनों जो है वो कैलेसन मेरे ख्याल से एएक्स नहीं, बरगुइस शायद एएक्स का प्लेयर है एंड फ्रेंकी डियोंग ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। टॉकिंग अबाउट द अटैक मेम्फिस डिपाई एंड बर्जाविन जो है वो हमको अटैकिंग लाइनअप में देखने को मिल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट 11 फ्रॉम माई साइड फॉर नीदरलैंड। लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट टीम और वो होगी हमारी भाई साहब फ्रांस। अब देखें फ्रांस ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन वर्ल्ड कप, बट यहाँ पे एक आपको जो है वो वीक लिंक नज़र आ रही होगी और वो है मिडफील्ड। ऑब्वियसली यार मिडफील्ड में एक वो वीकनेस नज़र आ रही है। अब देखें फ्रांस के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि फ्रांस देखें डिफेंस अच्छी है, गोलकीपर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो मुश्किलातने में पड़ सकती है भैया फ्रांस। नाउ टॉकिंग अबाउट द गोलकीपर ऑब्वियसली हुगो लॉरिस विल बी स्टार्टिंग, यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ बैक लाइन काफ़ी अच्छी है, थियो हर्नांडिस स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड में किम्बेम्पे, वरान और पवार्ड के साथ। और सारे ऑप्शन हैं इनके पास फुल बैक्स में, बट ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। टॉकिंग अबाउट दी मिडफील्ड, अब यहाँ पर देखो मिडफील्ड में उतने सारे ऑप्शन इनके पास नहीं हैं। अब लोग ये बोलेंगे यार कि यहाँ पे ना सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर किसी और को उतार दो, लेकिन मेरे ख्याल से यार जिस बंदे की तुम लोग बात कर रहे हो उतारने के लिए ना वो नहीं है एक्सपीरियंस्ड उतना कि उसको वर्ल्ड कप में आप उतार पाओ। देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट फोफोना शुड बी स्टार्टिंग इन दी मिडफील्ड। ये देखो मतलब पोगबा भी नहीं, कांटे भी नहीं, तो कितनी बड़ी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ मिडफील्ड में भी तुम देख लो चुआमिनी एंड कामाविंगा ही जो है वो अच्छे ऑप्शंस इनके पास हैं। अब ये मिडफील्ड क्या कमाल कर पाएगी वर्ल्ड कप में देखने वाली बात होगी। रियल मैड्रिड फैन शुड रियली वॉच दीज टू गाइस हाउ दे परफॉर्म इन वर्ल्ड कप, क्योंकि ये फ्यूचर है रियल मैड्रिड का। और अगर इन दोनों ने भाई साहब गजब का परफॉर्मेंस डाला फ्रांस के लिए तब तो फिर क्या ही बात है, लेकिन एक वीक लिंक ऑब्वियसली मिडफील्ड जो है वो फ्रांस की होगी। टॉकिंग अबाउट भाई साहब अटैक, आई गेस नो डाउट डेम्बेले शुड स्टार्ट फ्रांस में यहाँ ग्रीजमान के ऊपर, क्योंकि ग्रीजमान देखो जितना अच्छा है लेकिन डेम्बेले की फॉर्म टॉप नॉच चल रही है विद करीम बेंजिमा एंड एम्बाप्पे लेफ्ट हैंड साइड में। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब हमारी फेवरेट तुम्हारी फेवरेट इंग्लैंड, आई एम जोकिंग दिस पॉइंट। एनीवेज भाई साहब इंग्लैंड के बारे में बात कर लें तो भैया साउथ गेट बहुत अजीबो गरीब टीम जो है वो लेकर के गया है। लेट्स स्टार्ट विद दी भाई साहब यहाँ पे गोलकीपर पिकफोर्ड, पोप एंड रैम्सडेल। मेरे ख्याल से रैम्सडेल या पिकफोर्ड में से पिकफोर्ड को जो है वो चूज़ किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ भाई साहब बैकलाइन की, तो फाइनली एलेक्सेंडर आर्नोल्ड को जो है वो कॉलअप मिला। एलेक्सेंडर आर्नोल्ड जो है वो राइट बैक मेरे ख्याल से स्टार्ट करेंगे विद बैंड बाइट एंड भाई साहब जॉन स्टोन्स एट दी सेंटर डिफेंसिव प्लेयर्स। टॉकिंग अबाउट दी राइट लेफ्ट बैक वाली सिचुएशन, ऑब्वियसली लूक शॉ ही है जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेन चिलवेल वगैरह तो है भी नहीं इनके पास, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड, जूड बेलिंगम शुड स्टार्ट बिकॉज बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आ रहा है एंड डेक्लन राइस जो है वो स्टार्ट करेंगे विद फिल फोडन। अब यहाँ मेडिसन को भी जो है वो चांस दिया गया है, यहाँ मेसन माउंट भी आपके पास हैं, तो अच्छे खासे जो है वो ऑप्शंस रहेंगे मेरे ख्याल से। अच्छा जो है वो मिडफील्ड का ऑप्शन जो इंग्लैंड के पास है। टॉकिंग अबाउट भाई साहब अटैकर्स, तो फिल फोडन को स्टार्ट करना चाहिए विद साका एंड ग्रिलिश, ये मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। अब यहाँ पे रैशफोर्ड भी स्टार्ट कर सकता है ग्रिलिश के बदले, बट मेरे ख्याल से ये अच्छी जो है वो एक स्टेबिलिटी देगी इंग्लैंड को इन एंड आउट विथ हैरी केन अप फ्रंट। ये लाइनअप मेरे ख्याल से सही है इंग्लैंड के लिए। टॉकिंग अबाउट भाई साहब वन ऑफ द फेवरेट्स जो भाई वर्ल्ड कप जीतने वाली है, और वो है भाई साहब ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में बात कर लूँ तो जो इनसेन स्क्वाड डेप्थ है इनके पास, मेरे ख्याल से और कोई टीम के पास नहीं है अपार्ट फ्रॉम पोर्तुगल। बट पोर्तुगल भी रेनाटो सैंचेस के मामले में थोड़ा सा पीछे हो गई, वो रूबन नावास है वहाँ पे, लेकिन ठीक है, बट इनकी स्क्वाड डेप्थ इस भाई साहब गजब। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब ब्राज़ील, तो यहाँ पे ब्राज़ील में मेरे को लग रहा है एलिसन ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं एज गोलकीपर। सेंटर डिफेंसिव प्लेयर्स जो इनके रहेंगे, सेंटर बैक रहेंगे सॉरी, वो मिलिटाओ मार्किनियोस, गजब की पेयरिंग, दोनों बहुत बेहतरीन खेलने वाले हैं। लेफ्ट बैक के बारे में बात कर लूँ, एलेक्सेंड्रो स्टार्ट करेंगे विद डैनिलो। अब यहाँ पे डैनी एल्विस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो गेम टू गेम डिपेंड करेगा। टॉकिंग अबाउट भाई साहब इनके मिडफील्डर्स, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कैसेमीरो और भाई साहब लूकस पक्वेता स्टार्ट करेंगे, और ये करते हुए आए हैं ब्राज़ील के लिए पक्वेता, तो ये देखने वाली बात होगी। और नेमार जो है वो उसको मेरे ख्याल से अब तो एक नंबर 10 ही बना करके खिलाना चाहिए, और टीटे थोड़ा खिलवाता है नंबर 10 भी कुछ कुछ गेम से, मैंने देखे हैं ब्राज़ील के। एंड अटैक के बारे में बात कर लूँ तो यार रफीनिया ऑब्वियसली स्टार्ट करेगा विद विनीसियस जूनियर एंड रिचार्लिसन ऑन टॉप। अच्छी खासी स्क्वाड है, बस अब देखो कि मतलब अब ये स्क्वाड देख करके बोलो ना कि कौन गोल मारेगा बे, कौन गोल मारेगा। लूकस पक्वेता भी आगे चढ़ना पसंद करता है, नेमार तो चढ़ता ही है, रफीना भी गोल मारता है, विनीसियस जूनियर भी गोल मारता है, और भाई साहब रिचार्लिसन भी गोल मारता है, तो गोल मारने के लिए ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। बस वो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर भी इनके पास कैसेमीरो है, डिफेंडर्स भी इनके पास भैया मिलिटाओ और भाई साहब मार्किनियोस है, फुल बैक्स वाली पोजीशन में थोड़े से जो है वो सवाल उठाने बनते हैं। बाकी तो ब्राज़ील इज लुकिंग भाई साहब सुपर्ब। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब अनदर टीम, और वो है दी फेवरेट्स, और वो है भाई साहब बेल्जियम। देखें बेल्जियम के बारे में बात कर लूँ, अच्छी खासी स्क्वाड है, और एक लास्ट चांस है वो गोल्डन स्क्वाड के लिए बेल्जियम की वर्ल्ड कप जीतने की। ये लाइनअप मेरे ख्याल से हो सकती है बेल्जियम के। अगेन बैक थ्री ऑप्शंस विद कोर्तुआ ऑब्वियसली स्टार्टिंग। अब ये डिफेंडर्स लोग थोड़े से दादू हैं, अब देखें यहाँ पे वर्टोगन एल्डरवेल्ड दोनों जो है वो दादू वाली उम्र के हैं, तो इन दोनों के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन हैं। फेस स्टार्ट कर सकते हैं भाई साहब जो लेस्टर सिटी के लिए खेलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टॉकिंग अबाउट भाई साहब मिडफील्ड, तो टिलेमेंस, विट्सल, मुनियर एंड करास्को ऑब्वियसली अटैकिंग फुल वही जो है वो अपन को देखने को मिलता है विद हजार्ड। केविन डुब्राना राइट विंग, तुम देख के सोच रहे होगे कि तो केविन डुब्राना आ जाता है बीच में और कैरेस्को ऊपर चढ़ता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिलेगी विद लुकाकू अप फ्रंट। तो ये बेल्जियम की स्क्वाड हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फेवरेट्स टू विन भैया वर्ल्ड कप 2022, और वो मेरे लिए भी फेवरेट्स है, और वो है अर्जेंटीना। जितनी बैलेंस अर्जेंटीना की स्क्वाड है मेरे ख्याल से उतनी बैलेंस और कोई स्क्वाड नहीं है। लाइक देखें अगर आप ना अर्जेंटीना की स्क्वाड देखोगे ना तो आपको उतने बड़े नाम नहीं दिखेंगे, जैसे मैंने ब्राज़ील की स्क्वाड बता दी तो आपको बहुत बड़े बड़े नाम दिखे हैं ना, डिफेंडर्स हो गए, मिडफील्डर्स हो गए, अटैकर्स हो गए। अर्जेंटीना में वो बड़े बड़े नाम नहीं है। आप देखें अगर तो देखें गोलकीपर मार्टिनेस एस्टन विला के लिए खेलता है, अभी बड़ा नाम हुआ है कोपा अमेरिका वगैरह जीत करके। मोलिना तुम जानते भी नहीं होगे कि मोलिना कौन से क्लब के लिए खेलता है, बट ठीक है आगे। अच्छा आगे करता हूँ। क्रिश्चियन रोमेरो अभी अभी स्पर्स में आया है तो अभी अभी नाम हुआ है, ठीक है। मार्टिनेस अभी अभी एएक्स से निकल करके यूनाइटेड में आया तो नाम हुआ है। अक्वेना अभी अभी, अक्वेना को तो चलो फिर भी नाम है, ठीक है। टेगलाफिको का भी थोड़ा बड़ा नाम है, बट यू नो ऑल दीज प्लेयर्स जिनका इतना नाम नहीं है, जब ये लोग खेलते हैं ना भाई, अर्जेंटीना जब पिच में उतरती है ना तो एक अलग फ्लेयर, एक अलग चीज़ नज़र आती है यार। वो एक अलग हंगर है इनके अंदर वर्ल्ड कप जीतने का, जो मेरे ख्याल से अर्जेंटीना को आगे ले जा सकती है इस कप में। तो ऑब्वियसली यार अगर मैं बात कर लूँ तो मार्टिनेस, मोलिना, रोमेरो, ऑटामेंडी तो मैं नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं भैया मार्टिनेस स्टार्ट करूँगा विद अक्वेना या फिर टेगलाफिको। मिडफील्ड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमको पेरेडेस, डी पॉल एंड मार्क लेस्टर का इन्होंने बताया है, मेरे ख्याल से पेरेडेस होगा पेरेडेस होगा, बट मार्क एलिस्टर के बदले भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। भाई साहब एंजो फर्नांडिस है जो बेनफिका के काफ़ी अच्छे प्लेयर है, हमारे पास पापू गोमेस है जो भी बहुत अच्छे प्लेयर है। तो यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शंस हैं यहाँ पे अर्जेंटीना के पास। बट रोड्रिगो डी पॉल इज भाई साहब फिनोमिनल। टॉकिंग अबाउट अटैक तो ऑब्वियसली लियो मेसी विद लॉटारो मार्टिनेस, एंजेल डी मारिया, ये मेरे को लगता है बेस्ट स्टार्टिंग 11 होगी भाई साहब अर्जेंटीना के लिए। जोआकिन कोरेया भी है, पोलो डिबाला भी हैं, तो अच्छे पास तो अटैकिंग भी जो है वो अर्जेंटीना के पास काफ़ी अच्छी है। खैर मैंने अपने सभी जितने जितने बड़े बड़े मेरे को नेशंस लगते थे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, क्या बोलते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, पोर्तुगल और भाई साहब स्पेन के बारे में बात कर लिया हूँ। हर एक ग्रुप में से मेरे ख्याल से एक एक फेवरेट जो है मैंने उठा करके स्टार्टिंग 11 आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना वीडियो को। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओ कि कौन से प्लेयर को आप हटा करके कौन सी टीम में डालना पसंद करोगे। एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करना। पीस, जय हिंद।